प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर योसेफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, पवित्र आत्मा की अगुवाई बहुत जरूरी है। जिस प्रकार 1 कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 2:12 में लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। मेरे प्रियो, आप सब जानते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना है, लेकिन उस योजना को पूरी करने के लिए आपको 2 चीज़ों की जरूरत है। पहली, परमेश्वर का वचन और दूसरी, परमेश्वर का आत्मा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि पौलुस एशिया में सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं गया, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जाओ और पूरी दुनिया के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। पौलुस एशिया में इसलिए नहीं गया क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने उसको वहां जाने से मना कर दिया था। अगर पौलुस पवित्र आत्मा की आवाज़ को न सुनता और एशिया में चला जाता तो उसकी सेवकाई में कोई फल न आता और फिर वह परमेश्वर को दोष देता। 1 कुरिन्थियों 2:12 में लिखा है कि हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, ताकि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। परमेश्वर का आत्मा हमें वह बातें बताता है जो हमें आगे लेकर जाती है और परमेश्वर की मर्जी को पूरी करने में हमारी मदद करता है। जैसे उसने पौलुस की अगुवाई की थी कि एशिया में नहीं जाना, और इसी आत्मा की अगुवाई से प्रभु यीशु मसीह चले, दाऊद चला। जब दाऊद लड़ाई करने जाता था तो परमेश्वर का आत्मा उसे हर बार अलग अलग योजना देता था कि इस बार छिप कर जाना, इस बार सामने से वार करना, इस बार ज़्यादा लोग लेकर जाना। हर बार लड़ाई पर जाने से पहले परमेश्वर का आत्मा दाऊद को नई योजना बताता था, इसलिए वह एक भी लड़ाई को नहीं हारा। मेरे प्रियो, अगर आपके पास अच्छा कारोबार है लेकिन पवित्र आत्मा नहीं है तो आप खतरे में हैं, क्योंकि आपकी कारोबार के लिए परमेश्वर की जो भी योजना है वह पवित्र आत्मा के द्वारा ही आपको बताता है, या फिर अपने वचन के द्वारा आपको बताता है। आज वही लोग भटके हुए हैं जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर परमेश्वर का आत्मा आपको पाप में देखेगा तो वह आपकी अगुवाई नहीं कर पाएगा, आपको सुरक्षा नहीं दे पाएगा। आप या तो पवित्र आत्मा का नशा कर सकते हैं या फिर शराब का नशा कर सकते हैं। आप जवान लड़के लड़कियों को पाप में पड़ा हुआ देखते हैं, उनको भी अंदर से मालूम होता है कि यह पाप है, लेकिन फिर भी वे उस पाप को छोड़ते नहीं हैं, इसलिए पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई नहीं कर पाता। मेरे प्रियो, अगर आप उन आशीषों को लेना चाहते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, तो फिर आपको पवित्रता के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलना पड़ेगा। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, आप बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा करेगा। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपकी आत्मा के अनुसार चलने वाला बन सकूँ और जीत सकूँ और आपकी मर्जी को पूरी कर सकूँ, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको इस पवित्र वचन के द्वारा, इस सामर्थ्य वचन के द्वारा स्वगुना फलों के साथ आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।